नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जहां आपको बता दूं कि भिंड क्षेत्र का एक ऐसा मामला लेकर हाजिर हूं जहां आपको ये खबर झकझोर के रख देगी। एक अगर इकलौता कोई बेटा होता है या बेटी होती है तो इंसान कितना तक जाता है। एक पिता अगर कोई हरकत करता है या उसके पीछे संघर्ष करता है तो कितना करता होगा, शायद इतना नहीं जितना पंकज तिवारी ने कर डाला। और उसके बावजूद भी इतना संघर्ष करने के बाद अगर उनकी बिटिया न बच पाई तो सोचिए कि उनको कितनी तकलीफ होगी। यानी कई मौत मरने वाला व्यक्ति, कई कदमों में जाकर गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति आज हार कर टूट कर एक किनारे बैठ गया है। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसी बिटिया, यानी बिंद क्षेत्र की बिंद की एक ऐसी बिटिया जो कि अपने घर में इकलौती थी, अपने माता पिता की, जो कि इतने संघर्षों से पली और साथ ही साथ एक ऐसे रोग को लेकर चल रही थी जो रोग उसका साथ ही नहीं छोड़ रहा था। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से इस बिटिया ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का गुणगान गाएं अगर हम, तो शायद मैं अपने शब्दों में वो चीजें हम आपको बता भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आइए पूरी कहानी बताते हैं आपको। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जब बात हो एक पिता की तो अपनी इकलौती बेटी को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। उस दर्द और संघर्ष का अंदाजा शायद हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते। आज की ये कहानी है बिंद की बेटी ग्राम कमरजी सीधी जिले के पंकज तिवारी की, नन्ही आराध्या की, जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। थैलीसीमिया नाम की एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, जो कि पंकज तिवारी एक साधारण किसान अपनी बिटिया के जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए थे। आराध्या बचपन से ही थैलेसीमिया से पीड़ित थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर को नियमित रूप से खून की जरूरत होती है। एक पिता के लिए यह संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं था बल्कि भावनात्मक और शारीरिक भी था। पंकज तिवारी पहले तो बीजेपी पार्टी के एक सदस्य थे, ये भी बीजेपी पार्टी में लगातार कार्यकर्ता बने रहे, यहां तक कि हर संघर्ष में शामिल थे। इसके बाद जब इनकी बेटी की हालत ऐसी हुई, जब बीमारी के कारण उनको कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता हुई, तो इन्होंने बीजेपी पार्टी के उस सभी नेता, वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, लेकिन इनको जो है वो निराशा मिली, जिसके कारण इन्होंने वो पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने भीख मांगो योजना चला दिया, यानी एक तरीके से भीख मांगना इन्होंने शुरू कर दिया। 10 रुपए से लेकर के जितना तक हो सके उतना लोग मदद करते रहे। सीधी जिले के कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाकई में इस दर्द को समझा, और सीधी जिले ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे नागरिक रहे जिन्होंने इस दर्द और तकलीफ को समझा, और उस बेटी की जिंदगी में चंद और लम्हे देने के लिए उन्होंने डोनेशन भी किया, चाहे वो 10 रुपए हो या 5,000 हो या 5 लाख हो। लेकिन यही देखा जब गया कि जब भीख मांगते नजर आए तो यहां पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक चुरहट, जो कि अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा उनकी एक बड़ी मदद की गई, जो कि अपने ही हॉस्पिटल चिराई हॉस्पिटल में इलाज के लिए उन्होंने बुलाया और इलाज करवाना चाहा और उनके सामने इस बात को रखा और ये इलाज शुरू भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से इलाज करना था, बेहद जरूरी ये था कि बार बार रक्त और पैसा, आर्थिक मदद, शारीरिक मदद जो है, सारी चीजों की आवश्यकता थी। कई अस्पताल, कई डॉक्टर, कई सलाहें, पंकज तिवारी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए हर दरवाजा खटखटाया। आखिरकार उनकी उम्मीदें जो थी बिल्लौर के अस्पताल पर टिकी, जहां आराध्या का इलाज चल रहा था। बिल्लौर के अस्पताल में आराध्या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। इस नन्ही सी जान ने जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ था। हर इंजेक्शन, हर टेस्ट और हर तकलीफ को उसने बहादुरी से सहा। उसकी मासूम मुस्कान और हिम्मत ने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को भी प्रेरित किया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आइए उस चंद पल को, उस चंद लम्हों को हम देखेंगे इस बिटिया को, कि आखिर में ये जो बिटिया है क्या कहना चाह रही थी। एक चुपके से इसने एक वीडियो बनाई थी, जो पंकज तिवारी के फोन में ये वीडियो रह गया था। कुछ दिनों पहले इस वीडियो को उन्होंने वायरल भी किया था। ये बिटिया कितनी मासूम है और किस तरीके से बात करती, कितनी स्मार्ट है, ये पढ़ने लिखने में भी इसकी बुद्धि विवेक की अगर बात की जाए तो अव्वल थी। पहले तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर में ये बिटिया थी क्या।
देखिए ये वीडियो। तो अब मैं हैं गांधी, मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ मैं हॉस्पिटल में एंड इसका नाम है गांधी पूरा कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर ही होती है, मतलब कि कैंसर का इलाज होता है। और अपने दिन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी लाइटिंग होती है, मतलब कि इतना मस्त है ना, मतलब लगता ही नहीं है कि हम किसी और साइड हैं, सच में। एंड अभी आप बहुत कुछ जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी वरना वो डार्क में लगते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इधर हम सबके वीडियो हो रही है एंड यहाँ पे उस साइड वो सब है। एंड अभी तो मैं बोर हो रही थी तो मैं सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। एंड काफ़ी ठंड है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78। कितनी गर्मी है, अब देखो मेरा असली फेस। इतनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, सोच ही लोग क्या कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। छोटा सा छोटी सी ब्लॉगर के लिए छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट प्लीज प्लीज। लो मैं आपके लिए मास्क लाई, लगा लो आप। मैं खुद एक यूट्यूबर बन के अपने खुद एक यूट्यूबर के फैन हूँ, प्रगति वर्मा वंडर। एंड ये सब तो दिल्ली में ही रहते ना, दिल्ली से ही है ना, तो मैं तो मिलना चाहती हूँ बट मैं मिल नहीं पाऊँगी। कुछ तो क्या नहीं। दूसरी ओर पंकज तिवारी की हर सांस, हर पल सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही था। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए 10 रुपए चंदा तक के लिए मांग की, कुछ जगहों पर खुद जाकर बेटी के लिए भीख तक मांगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बिटिया को समर्पित कर दी, उसके चरणों में बार बार पड़े और यही चाहते रहे कि उनकी बिटिया जो है वो बच जाए। लेकिन क्या मंजूर था वो शायद यही देखा गया। गांव से शहर और फिर एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश तक के कोने तक अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आराध्या की जिंदगी के लिए पंकज तिवारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना पैसा, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीदें। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी कोशिशें और मन्नतें भी उस फैसले को नहीं बदल पाती जो ऊपर वाले ने ले लिया होता है। तमिलनाडु के बिल्लोर अस्पताल में लंबे इलाज के बाद आराध्या ने अपनी सांस ली तो आखिरी सांस भी वहीं पर उसने लिया। इस नन्ही परी की मौत ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। आराध्या की लड़ाई से हमने बहुत कुछ सीखा भी। जिंदगी में चुनौतियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो एक बच्ची होकर भी हम सभी को ये सिखा कर गई है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अंत तक लड़ना चाहिए। इस पूरी कहानी में हम उस पिता को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी हर सांस को झोंक दिया।
पंकज तिवारी जी का ये संघर्ष हमें बताता है कि प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। बिंदगी बेटी आराध्या, तुमने इस दुनिया में थोड़े ही समय में एक बड़ी छाप छोड़ी है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा संघर्ष हमेशा याद रहेगा। पंकज तिवारी जी, आप जैसे पिता को हम सलाम करते हैं कि आपने जो साहस दिखाया, जिस तरीके से आप इस पूरी बिटिया की जिंदगी से लड़े और उस रोग से लड़ते रहे, मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद अन्य कोई पिता होता तो इतना नहीं करता जितना आपने किया है। अगर आप देख रहे हैं तो हमारी सहानुभूति आपको इस पूरे तरंग 24 न्यूज टीम की तरफ से, कि आपको ईश्वर वो ताकत दे, वो लड़ाई लड़ने की ताकत भी दे कि आप इस दुख को सह सकें। शायद हम आपसे और तो कुछ आपकी मदद कर नहीं सकते, लेकिन ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ये जो दुख और तकलीफों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, उससे भगवान आपको जल्द से जल्द मुक्ति दे और आप फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन ये बिटिया जरूर हमें भी याद रह जाएगी और इस बिंद क्षेत्र को भी याद रह जाएगी, और आप जैसे पिता भी आज सभी के दिल पर एक छाप छोड़ के जा रहे हैं, और आपने जो कर दिया है इस बिंद क्षेत्र में एक नई पहचान भी बना दिया है आपने कि आखिर में बेटी के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। रही बात पार्टियों की, जिस तरीके से जिस पार्टी में आप मौजूद थे वहां से अगर आपको मदद नहीं मिली, शायद अगर वहां से मदद मिली होती तो यह भी कहा जा सकता था उस टाइम पर कि अगर इलाज सही टाइम पर होता तो शायद इस मर्ज से मुक्ति मिलती तो आज आराध्या खुशहाली की जिंदगी भी जीती। लेकिन भाजपा पार्टी से इनको एक बड़ी उम्मीदें थी जो कि कहीं ना कहीं ये निराशा शायद आपके सामने मौजूद रही, और आज वही निराशा देखने को मिल पा रही है। सोशल मीडिया पर जैसे ही उसकी आखिरी सांस टूटी, यानी आखिरी सांस लेने के बाद जैसे ही वो इस दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया पर अंबार लग गया उस दुखों का। पहाड़ जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में लाइन लग गई। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर थे, मैंने तो ये देखा है कि हर व्यक्ति ने शोक जाहिर किया है। कई पत्रकार, कई वरिष्ठ समाजसेवी और कुछ ऐसे जो उनके नजदीकी थे। आखिर में बिटिया ने इतना प्यार ही बटोर लिया था। चंद सांसें आप जितने उन्हें दिया है, उसे डोनेशन किया, चाहे वो 10 रुपए दिया हो या 1 लाख दिया हो या 1 करोड़, जिसने भी जितना भी दे दिया, हम सभी मिलकर उनका जो है आभार व्यक्त करते हैं कि आपके कारण उस बिटिया को 2 पल की जिंदगी और भी मिली, लेकिन लिखा कुछ और था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी संतान हो जो आपके सामने है तो तकलीफ हर पिता को होगी, और ये संघर्ष जिस पिता ने लड़ा है, शायद उस पिता को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।